साढ़े नाल मीत खेल रहे जो बरनाले तो विधायक ने आम आदमी पार्टी के उन्होंने तो जानते हैं इस धरने का की मैसेज है की कारण है क्यों ये धरना दिता जा रहा है। देखो जेडे अज मुख्यमंत्री पंजाब पंजाब के किसानों नूं गुमराह करने की कोशिश कर रहे ड्रामेबाजी कर रहे उन्हां दा चेहरा मुख्य विरोधी धिर होने के नाते लोगों के सामने असीं अज एक्सपोज कर रहे हैं। तुसीं जाके दिल्ली ड्रामेबाजी कर रहे हो आखे जी मैं जे इन्हां ने साडी ना सुनी मैं रिजाइन कर दूंगा थोड़े उत्थे बैठन नाल थोड़े राष्ट्रपति नूं जे तुसीं मिल भी लैंदे उहदे नाल पंजाब दे किसानां नूं फायदा की हुंदा। पंजाब दे किसान अज अशोर MSP मंग रहे हैं कि राष्ट्रपति दे सकदा दे सकदा तां देश दा प्रधानमंत्री दे सकदा तुसीं उहनां दा टाइम क्यों नहीं मंगदे। केवल तो केवल ड्रामा हो रहा है। हुण फिर कहिंदे आ जी विधानसभा के अंदर भी कहा सी वी आ जिहड़ा अस्तीफा मेरी जेब च है तुसीं अस्तीफा दे दो उहदे नाल पंजाब दे किसानां नूं की फायदा होगा उहनां नूं तां अशोर MSP नहीं मिली ना। सो अज यही असीं इहनां दा चेहरा नंगा करन दे लई ते पंजाब सरकार नूं यही कह रहे हैं मुख्यमंत्री पंजाब नूं भी ड्रामे ना करो जां तां तुहाडी मोदी नाल यारी है तुसीं अशोर MSP मोदी तो दवा दो नहीं दे सकते तां तुसीं पंजाब सरकार तुहाडे कोले बड़ा पंजाब कोले खजाना है तुसीं आप दे माफी बंद कर दो बथेरा लुट लिया पंजाब नूं 4 साल यार तुसीं छड़ दो तुसीं स्कॉलरशिप दे पैसे खा गए तुसीं रेत माफिया चलाई गए तुसीं शराब चो पैसे कमाए छड़ दो तुसीं पंजाब नूं पैरां सिर खड़ा करो। अशोर MSP जे मोदी नहीं दिंदा भारत सरकार नहीं दिंदी प्रधानमंत्री नहीं दिंदा तां पंजाब दे मुख्यमंत्री होण दे नाते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंजाब दे किसानां नूं अशोर MSP देनी चाहीदी है। पंजाब दा कानून लैके आना चाहीदा जिहड़ा ही खेती है एग्रीकल्चर स्टेट सबजैक्ट है पंजाब दा कानून लैके आउण कि अशोर MSP पंजाब सरकार उह देऊगी नहीं दिंदा तां आपदी कुर्सी छड्डण। उहनां दा कहना इह है कि पंजाब च जिहड़ा खजाना है उह टोटल खाली है और इस समय 1.5 लाख करोड़ तो वध दा कर्जा हैगा पंजाब दे उत्ते उसकी किस्त जानी औखी हुई पई है। जदि असीं MSP देण लग गए पंजाब सरकार किसान की फसल खरीदन लग जाए उसके लिए 70,000 करोड़ रुपया चाहिए कितों आऊगा। खजाना खाली मैं किया जां तुसीं किया खजाना खाली आ पब्लिक ने किया जां जिहड़े सड़कां दे किसान बैठे उन्होंने किया सवेर तो लैके रात तक पंजाब दे जिहड़े आम नागरिक है असीं हर चीज़ पर टैक्स दिंदे आ असीं बिजली तो लैके ब्रश तो लैके हर चीज़ पर टैक्स दिंदे आ सवेरे उठदे तो लैके असीं सारा दिन खजाना भरी जाने जे खजाना खाली सी तुसीं भरन लई एफर्ट की किया। अज बंद पे थर्मलों असी 5 करोड़ रुपया प्राइवेट थर्मलों जिन्हां नाल सुखबीर सिंह बादल ने कंट्रैक्ट किए असी रोजदान उन्होंने दे रहे हैं थोड़े च जरूरत नहीं हैगी भी तुसीं बंद कर दो क्योंकि पहला कमीशन सुखबीर सिंह बादल नूं जांदे सी हुण कमीशन थोनू आउंदा है तुसीं आपदे मैनीफेस्टो दे विच भी पाया सरकार ने तुसीं खजाना भर लई कर के रहे हो। रेत माफिया चलता अज पंजाब च 1,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है तुसीं उहनूं बंद किया तुसीं शराब माफिया सानू सिर्फ 5200 करोड़ रुपया कमाई है शराब के विचों साढ़े गवांढ़ी सूबे ने जिहड़े वह साढ़े नालों 4-4 गुणा 5-5 गुणा ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तमिलनाडु जिथे साढ़े नालों घट शराब पीते 32,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तुसीं खजाना भरन दे लई कीता की इत्थे कारपोरेट हाउस लुट रहे हैं इत्थे शराब माफिया थोड़े MLA चला रहे हैं तुसीं खजाना भर लई कीता की तुसीं एफर्ट किहड़ा कीता तुसीं कहिंदे नूं खजाना खाली है जदों वादे किए सी उदों नहीं सी पता तुहानूं पंजाब दा खजाना खाली है। पंजाब बड़ा अमीर सूबा है इहदा खजाना भरिया जा सकदा जे इत्थे नीयत नाल चलाउण वाले इच्छा शक्ति वाले लोग आ जाण। असीं दिल्ली दा खजाना जिथे आम आदमी पार्टी की सरकार है 50 सालों असीं डबल करके दिखाया असीं किवें करता जिहड़े काम उत्थे लोग सोच भी नहीं सकते सी हो सकते आ असीं उह वी उत्थे करके दिखाते असीं इन्नी सबसिडी दित्तियां असीं बिजली मुफ्त दित्ती असीं पानी मुफ्त दित्ता असीं बच्चों नूं बिना ब्याज तो लोन दित्ता असीं जिथे 70 सालों 17,000 स्कूलों कमरा बनया सी असीं 5 सालों 22,000 नवा कमरा बना के दिखाता आम आदमी पार्टी ने इलाज मुफ्त किया दवाइया मुफ्त कीतियां हजे भी दिल्ली की सरकार सरप्लस च है फायदे च है उन्होंने किवें करता क्योंकि उन्होंने कोले इमानदारी सी उन्होंने कोले एक नीयत सी भी असी तनखाह ते काम करना साढ़े MLA ने लोगों का पैसा ना खाना ना किसी नूं खाण देना जिहड़ा फ्लाईओवर 500 करोड़ का बनता सी केजरीवाल ने 300 करोड़ का जिहड़ा बना के दिखाया इत्थे जिहड़ी चीज़ 100 करोड़ की बननी हुंदी है वह नाले तो जो साल का समा हो जाए लैनू 2 सालों जाते हैं नाले नूं कर 300 करोड़ का देंदे है। सो जे पंजाब नूं ना घरदिआं वांगू चलाया जाए इत्थे तनखाह ते काम करन वाले MLA आ जाण इत्थे जिहड़े वोटां च करोड़ां रुपया ला के इलैक्शनां लड़दे है उन्हां दा पंजाब चों खड़ा छुट जाए तां पंजाब पैरां सिर खड़ जूगा। पंजाब दी सरकार ही पंजाब दे किसानां नूं MSP दे सकदी है अज घट्टो घट 70,000 करोड़ का माफिया पंजाब दे विच चल रहा है जे बंद हो जाए पंजाब पैरां सिर खड़ा हो जूगा सानूं किसे अगे किसे अगे हथ अड़न की लोड़ ही ना पवे। पर दुख यही है दुखांत पंजाब दा यही है कि इत्थे जिन्हां नूं भी मौका मिलिया उन्होंने रज के पंजाब नूं लुट्टिया उन्होंने खजाना तबाह करता उन्होंने केवल आपदे व्यापार बनाए उन्होंने साडी ट्रांसपोर्ट तबाह करती उन्होंने साडा
जिहड़े सरकारी इदारे सी सारे तबाह करते, आपदे हज़ारां बसां पालियां, 7-17 होटल पाले, वड्डे व्यापार खड़े कर ले, पर पंजाब दे लोक, पंजाब दे जिहड़े किसान छोटे व्यापारी, उन्हां दी हालात दिन प्रतिदिन जिहड़ी आ माड़ी हुंदी जा रही है। मीर जी कहानी इह है, सानूं लोकां ने सानूं जित के जिता के विरोधी धिर च भेजिया, सानूं इन्नियां सीटां दित्तियां, लोकां नूं इह देखो आम आदमी पार्टी दा की फायदा होया, आम आदमी पार्टी ने लोकां लई की कीता? असीं जी लोकां दी लड़ाई लड़दे हाँ। आम आदमी पार्टी दे 20 MLA होने के बावजूद साढ़े विधानसभा दे विच 50% तो सवाल ज़्यादा, दूजे 80 है साढ़े तो बिना, जे मंत्रियों विचों कढ दिए साढ़े सवाल 20 MLA दे आम आदमी पार्टी दे ज़्यादा सी दूजे दे नालों। ऐसा किहड़ा मुद्दा जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने एक्सपोज नहीं किया? जिहड़ा बिजली वाला प्राइवेट कंपनियां वाले जिहड़े समझौते है, पहला इन्हां ने कदे लोगों के विच गल ही नहीं आई। असी आके दसिया भी जिहड़ी बिजली सानूं 3 रुपए नूं मिल सकती सी, सुखबीर बादल ने 9.5 रुपए नूं प्राइवेट कंपनियां दा समझौते होए होए है, 1,000 करोड़ रुपया पंजाब दे लोगों का जा रहा है। एक गल दसी है, किन्नियां गल्लां सीआं आपदियां, इह 8-8 पेंशनां लई बैठे है, होर किसे स्टेट च नहीं, इह गल्लां कदे लोगों के सामने आईआं ही नहीं सी। जां मैनूं दसो भी आह पिछले 3 साल तो पहला पंजाब किसी नूं पता होवे, अज बच्चे बच्चे नूं पता भी MLA दीआं जी, जिन्ने बार MLA आ उन्ने बारी पेंशनां ने। असी जिहड़ियां इहनां दीआं ना, एक पहला सरकारां चलदियां सी, जिहदी सरकार हुंदी सी उहदा जे 80% कमिशन आ तां ओपोजिशन नूं 20% दे दिंदे सी। साढ़े जिन्ने MLA आ किसे ते कोई उंगल करके कह दे भी किसे ते करप्शन दा दाग है। असी जिहड़े लोकां दे मुद्दे आ हर जगह चक्के आ, हर मुद्दा असी लोकां दा जिहड़ा उह विधानसभा दे विच उठाया, आम आदमी पार्टी लगातार जिहड़ी सरकार है उहनूं एक्सपोज करदी रही है। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ਼ਰਮੀ ਧਾਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 1,97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਤਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਚੰਗੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸ਼ੋਰ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਰ MSP ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ MSP ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।